वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, तो उसे आपको समझेगा कि काशी में आपको आने के बाद कितना एक्सपेंसिव होता है इंडिविजुअली, कहाँ कहाँ रहने का सुविधा है वो भी मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, कितना ट्रैवलिंग कॉस्ट गया है मेरा, कब कौन सा अच्छा टाइम है विजिट करने का, वो सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना अपने लाइफ में जब बूढ़े होने के पहले, क्योंकि यहाँ की जो व्यू है, जो वाइब्स है, जो इमोशंस है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंसान की डेस्टिनी क्या है, कैसे कैसे वो पांचों एलिमेंट्स की जो आपकी बॉडी है वो कैसे ये पृथ्वी से मोक्ष मिलती है। वाराणसी में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आज घूमने आया हूँ मैं वाराणसी, जो कि सबको पता है वाराणसी एक बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है और इसको एक बनारस नाम से भी बोला जाता है। वाराणसी के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बात बताना चाहूँगा कि वाराणसी का नाम कैसे पड़ा। वरुण नदी और 80 घाट को मिला के वाराणसी का एक नाम पड़ा। और यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, इंडिया की नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलोगे तो यहाँ पे आते हैं, जिसको धर्म के बारे में जिनको जानना है कि व्हाट इज़ लाइफ, वो यहाँ पे आके सेट हो जाते हैं, या तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते और जाते। और एक बात बोल सकता हूँ कि महादेव की प्रिय नगरी है ये वाराणसी, या जो कि यहाँ पे आके वो काफ़ी टाइम स्पेंड किए थे महादेव। तो बस ये रही वाराणसी की इसमें कहानी। इसमें काफ़ी सारे घाट है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप एक दिन में एक्सप्लोर तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कम टाइम होने की वजह से हम एक दिन में मैक्सिमम जो फेमस चीज़ है वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे 84 घाट है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा आपको एक दिन में, या मेरे को भी एक दिन में ये करने के लिए। तो मेन जो घाट है वो हम लोग आज अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे काल भैरव मंदिर है, जो कि आपको कभी भी आपको उसका दर्शन लेना है विदाउट उसके तो यहाँ की बोलते ना यहाँ पे आना वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, 1 किलोमीटर हमारे होटल से दूर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो यहाँ से हम लोग वॉकिंग करते करते जा रहे हैं 1 किलोमीटर तक। वहाँ पे शायद अलाउड नहीं होगा कैमरा, तो हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मॉर्निंग के 7:30 हो रहा है, देखते कितने बजे तक हम लोग काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा शाम को, गंगा की आरती, जो गंगा की आरती होती है एकदम बेस्ट होती है, तो वो आज हम शाम को ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल के टूर्स। आज मेरे साथ है गणेश और सैंडी और एक बार कैसा लग रहा है? एकदम मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ठंडी तो काफ़ी ऑसम है, जल्दी मतलब जल्दी के अगर कभी भी उठो आपको थर्मल पहनना पड़ेगा और या तो अपने आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो चल रहे अब हमारे डेस्टिनेशन के टूर्स। तो अभी हम लोग ने काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया है। अंदर का व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि फ़ोन सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग था, सब कुछ सबमिट करना पड़ा लॉकर में। और हम लोग मैं मतलब फिर भी ट्राई करूँगा कुछ अलग एंगल से जाके बाहर के व्यू लेने के लिए। अंदर का व्यू मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ब्यूटीफुल था कि आपको क्या बताओ, इतना ब्यूटीफुल मतलब काफ किया था, इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन उनका, इंफ्रा एकदम बेस्ट था। तो मैं अभी जा रहा हूँ मणिकर्णा घाट के टूर्स, लेकिन वहाँ से अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो वहाँ से हम लोग लेंगे दूसरी साइड से एंट्री और फिर मैं लंबे लंबे से आपको व्यूज शेयर करूँगा। फिलहाल मेरे साथ गेट नंबर 4 का व्यू देखो कितना भारी है। मणिकर्णिका घाट किस तरफ? तो फाइनली हम लोग कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं, ये पूरा कॉरिडोर है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक है तो वहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो पूरा लॉकर में आपको सब जमा करना पड़ेगा, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। और उसके आगे मंदिर है, तो मंदिर में तो बिल्कुल भी सब अलाउड नहीं है कुछ। तो आपको कॉरिडोर में बताता हूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो एक रखी हुई ना, ये भारत माता की टेम्पल, भारत माता जो स्टैचू है वो स्टैचू देख लो। आपने जैसे भारत माता का स्टैचू देखा, वैसे काफ़ी यहाँ पे अलग अलग जो संत मुनि थे, जो एकदम अच्छे लोग थे, उनका स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है हर जगह। तो एक और अगर आपको मंदिर में जाने को नहीं मिल रहा तो आप कॉरिडोर में आके यहाँ पे पूरी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हो। और इसके जस्ट सामने आप जाओगे तो घाट भी है, ललित घाट, तो घाट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा चीज़ करी कॉरिडोर जो बनाया, इतना मस्त बनाया, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो मणिकर्णिका घाट है यहाँ पे। ये नज़ारा आपको देखने के लिए ना आपको एकदम बोलो स्ट्रांग होना पड़ेगा इंटरनल भी, क्योंकि यहाँ ही यही वो जगह है जहाँ पे आपको आपके बॉडी के पांच तत्व की जो आपकी बॉडी है वो यहीं पे आके रिलीज होती है। जब यहाँ इस घाट पे जब आपकी बॉडी को जलाते हैं एंड में, तो उसको जो मोक्ष मिलता है यही घाट पे मिलता है। और यहाँ की जो अग्नि है कई सालों से, कई हजार सालों से जो जलती आई है अभी तक जल रही है। अब इसके बाद जो मैं आपको सीन बताने वाला हूँ तो वो थोड़ा आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, आपके लिए थोड़ा बोलते ना मेंटल इफेक्ट भी करेगा, बट ठीक है अगर देखना है तो आप वो देख सकते हो, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो मणिकर्णिका का घाट आप लोग ने देख लिया होगा, कैसा लगा आपको? एकदम दिल दहलाने वाली जगह जहाँ पे आपको पांच तत्व मतलब फाइव एलिमेंट जो आपकी बॉडी की होती है उसे मोक्ष मिलता है उस जगह पे, और हॉली प्लेस बोलते हैं उसको। तो ठीक है अब यहाँ से हम निकले चौक की टूवर्स, चौक में जहाँ पे कुछ अलग अलग वैरायटी खाने को मिलते हैं। यहाँ अगर बनारसी या बनारस में अगर आप आते हो तो यहाँ पे तो आपको पता है डिशेस के लिए अलग अलग वैरायटी के लिए बहुत फेमस है, मिठाई के लिए और अलग अलग पान ये सब सारी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। तो हम लोग जा रहे हैं चौक की टूर मलाइयों खाने, जो दूध की काफ़ी स्पेशल चीज़ है। तो अभी देखा था आपको मलाइयों क्या रहती है। ये रही मलाई यहाँ की फेमस डिश, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और एकदम लाइट है, पूरा मिल्क की बनी होती है ना ये। टेस्ट भी करके देखते हैं। कितना का भाई छोटा होगा? तो मलाई खा के एकदम मजा आ गया है। अब हम जा रहे हैं कुछ और नाश्ता करने, यहाँ के फूड एक्सप्लोर करने, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे काल भैरव के टेम्पल। बनारस के स्ट्रीट तो एकदम स्ट्रीट फूड बोलेंगे तो एकदम फेमस ही है। तो आप जाके हम लोग खा रहे पूरी सब्जी, भूख लगी थी तो मुझे पूरी सब्जी ट्राई करते हैं स्ट्रीट फूड की। एकदम भारी बनाई हुई है, एकदम गर्मा गर्म है, इसमें काफ़ी चना है और वेजिटेबल्स है, उसमें पानी आ रही है। तो ये अभी हम लोग खाएंगे और टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखिए और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे काल भैरव टेम्पल, यहाँ पे दर्शन लेके आपको वापस मिलते हैं। तो काल भैरव का दर्शन हम लोग ने कर लिया है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाकी के घाट देखने के लिए। सो अगर आप वाराणसी में भी विजिट कर रहे हो और आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो इसका मतलब जितना भी तीर्थ आपने किया है, जो भी यात्रा आपने की है, जहाँ जहाँ घूमे वो व्यर्थ है, तो कुछ यूज़ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काल भैरव वाराणसी के प्रोटेक्टर है। अभी जब भी आप दर्शन ले रहे हो तो इट मीन्स कि आप उनसे परमिशन ले रहे हो कि मैं यहाँ के बाकी ये तीर्थ यात्रा कम्प्लीट करने वाला हूँ। अगर आप वो विजिट नहीं करते तो समझना कुछ यूज़ नहीं है। तो आप एक बार अगर यहाँ पर आ रहे हो तो इनके यहाँ पर दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये याद रखना हमेशा आपके लिए। ऐसा लगा था कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद बैंगलोर में, बट वाराणसी में तो और भी ऐसा एकदम होता है ना, भर गया सब। तो जैसे मैं आपको बोला था हमारा काल भैरव हो चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर, जो कि एक बहुत फेमस मंदिर है दुर्गा मंदिर। वहाँ दुर्गा मंदिर अटेंड करेंगे, वहाँ पर हम लोग पैर वगैरह पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से जाएंगे अस्सी घाट की टूर। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग ने इलेक्ट्रिक वाला ऑटो बुक किया है, यही बुक करना, बाइक पार्किंग के लिए जगह यहाँ पे बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक वाला ऑटो बुक किया, 200 रुपीज़ लिया हम लोग को दुर्गा मंदिर का और अस्सी घाट का। फिर उसके बाद वो अटेंड करके देखते और उसमें जैसा कहा है था दस को मिस घाट भी जाना है ज़रूरी है, और मेन मतलब गंगा आरती रात। ये जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ये दुर्गा माता मंदिर है, हमने दर्शन ले लिए, क्राउड काफ़ी था तो हम लोगों ने साइड से दर्शन लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये मंदिर। खासियत ये पूरा रेड कलर में और अंदर जो मूर्ति है वो भी रेड कलर में, जो मतलब मिठाई नहीं की हुई है, वो मतलब होते ना वो नेचुरल मूर्ति है,
तो इसके लिए इस मूर्ति को बहुत ज्यादा माना जाता है। और इसकी मंदिर की खासियत है ये पूरी रेड कलर में एकदम ब्यूटीफुल मंदिर देखो। जैसे कि अभी हमारा दुर्गा दुर्गा मंदिर जो यहाँ का फेमस मंदिर है वाराणसी का, वो हमने कर लिया है। अब यहाँ से हमने सेम ऑटो ही बुक करके रखा था जिसको जो अभी हमें लेके जाएगा अस्सी घाट के यहाँ पे, तो ये हमें अस्सी घाट पे ड्रॉप करेगा। उसके बाद हम अस्सी घाट एक्सप्लोर करेंगे। अस्सी घाट एक्सप्लोर करने के बाद हम अगर टाइम मिला तो शायद से हम लोग जाएंगे दशाश्वमेध घाट, या तो फिर शाम के लिए गंगा आरती तक वेट आराम करेंगे और शाम को फिर गंगा आरती के टाइम पे ही वहाँ पे जाके वेट करेंगे। एक्चुअली मैंने सुना है बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसके लिए 4 बजे ही हम लोग निकलेंगे, जबकि 6:30 बजे से आरती 6 या 6:30 बजे से आरती स्टार्ट होती है। बोटिंग का हमने फिलहाल यहाँ पे प्राइस पूछा, उन्होंने 6,000 रुपीज़ बोला, जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। इतना तो मैंने सुना नहीं था, 6,000 में वो पूरा बोट से घुमाने आते हैं, जो कि मुझे लगा ज़्यादा कॉस्टली, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। फिर भी एक बार हम लोग अस्सी घाट में जाके पूछेंगे और बार्गेन करेंगे, और प्रॉपर प्राइस में हुआ तो हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर उस पर पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे। तो अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो ये मैं बोट पे खड़ा हूँ, और ये रहा अस्सी घाट। ये मेरे पीछे देखो गंगा, ये हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं। इसको क्रॉस करके अलग से रिवर साइड है जो थोड़ा लैंड है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग होता है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को बोलते हैं ना एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ ये जो गंगा नदी फिलहाल दिख रही है, गंगा इतना क्लीन है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और यही एक घाट ऐसा है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा करके अपना टाइम स्पेंड करती है। तो जैसे देख रहे हो आप, मैं अस्सी घाट के बराबर ऑपोजिट वाले गंगा को क्रॉस करके आया हूँ। हाफ एन आवर के लिए वेट करने को बोला है बोट वाले को। और ये बीच जैसा है छोटा सा, जैसे मुंबई जैसा बीच है, तो ऐसे ये चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि कैमल राइड हो जाएगा, हॉर्स राइड हो गया, वहाँ पे बॉटल वगैरह मिलते हैं जहाँ पे आप गंगा जल कैरी कर सकते हो, और यहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो क्राउड भी नहीं है, ये प्रॉपर अस्सी घाट के अपोजिट में यही एक घाट ऐसा है जो जहाँ पे कोई चिता वगैरह जलाते नहीं है, तो यहाँ पे लोग पब्लिक ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं। शाम को गंगा आरती भी यहीं पे होगी, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे प्लान करें गंगा आरती देखने के लिए। बाकी 10-15 मिनट हम लोग यहाँ का व्यू का व्यू थोड़ा जो है वो इंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। आपका नाम? मनीष। मनीष, हाँ। सो आखिर में अस्सी घाट में एक बंदे से मुलाकात हुई, मनीष कैसे आप? अच्छा। अरे देखा, एक नंबर, इसको बोलते ट्रेडिशन, ये मुंबई वाले हाथ मिलाते यहाँ पे नमस्कार करते। तो आज इनसे हम एक गाना सुनने वाले हैं, ये हमें गाना सुना के दिखाने वाले, और इनके जो फ्लूट इतने अच्छे इतना अच्छा बजा रहे थे कि हमें वो अट्रैक्ट कर दी और हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो अभी वो हमारे लिए एक सॉन्ग गाने वाले, चलो स्टार्ट करें। मेरा चैनल भी है, आप मेंशन कर दीजिएगा। आपकी चैनल? हाँ, मेरा चैनल का नाम है शर्मा म्यूजिक ब्लॉग, ब्लॉग में बी रहेगा, वी नहीं रहेगा, बी रहेगा। तो अब टाइप करेंगे तो आ जाएगा, और आप लोग शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे अरबपति बनना है। हाँ, मैं गाना गाता हूँ। इतना बता दे कोई, ये लाइन से सारे के सारे घाट है, ये सारे सारे लाइन घाट है। और हम लोग ने जो अस्सी घाट से स्टार्ट किया था वो, हाँ मालूम, जो हम लोग ने जो अस्सी घाट से चलना स्टार्ट किया था घाट के रास्ते पकड़ के, वो ऑलमोस्ट हम लोग ने 15-20 तो ऐसे ही क्रॉस कर लिए भाई। रोड पता नहीं कितना टाइम लगता था, लेकिन घाट टू घाट अगर आप आ रहे हो तो मुझे लगता है आप 84 तो नहीं, एटलीस्ट 50 तो कर सकते हो। तो हम लोग चल के जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट तक, देखते कितने घाट बीच में पड़ गए।
तो घाटों घाटों रास्ता चल के आगे हम लोग ने इतना घाट देख लिया है ना, ऑलमोस्ट 50 तो देख लिया होगा। और अब जाके पहुंचे हम लोग दशाश्वमेध घाट। ये घाट की खासियत ये है कि यहाँ पे खुद ब्रह्मा जी ने शिव जी का ये जब शिव जी यहाँ पे आ रहे थे तो उनके वेलकम के लिए उन्होंने 10 अश्वमेध घोड़े का बलि दिया था ये इस घाट पे, इसके लिए इसको दशाश्वमेध घाट बोलते हैं। तो अभी हम लोग 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक यहाँ पे पहुँच गए, तो ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर हम चले, लेकिन काफ़ी छोटा छोटा घाट है तो हमने वो कवर कर लिया। तो फिलहाल 6:30 को यहाँ पे गंगा आरती जो कि चालू होने वाला है उसका वेट कर रहे हैं, और वही हमारा ट्रिप का एंड होगा। तो फिलहाल तैयारी यहाँ पे चालू ही है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग यहाँ पे काफ़ी लोग दूर से आते और यहाँ पे वो पीस लेते, और यहाँ पे काफ़ी जो वाइब्स है एकदम अलग वाइब्स है, एक ऐसे मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब्स होते हैं, और कब जो ऑलरेडी एकदम इमोशंस में होते हैं वो अलग वाइब्स होता है, कोई एकदम हॉरर वाइब्स भी है वो, अगर आपको पॉसिबल है तो वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं हम लोग जो गंगा आरती का वो स्टार्ट हो गया 6:30, फिर वो मैं उसका वाइब्स तो एकदम अलग है, उसके लिए काफ़ी क्राउड होता है, उसका ही वेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट होगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बचा है गंगा आरती स्टार्ट होने के लिए, पूरी तैयारी हो चुकी है, और रात के वक्त जो काशी इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है, जो चारों तरफ लाइट और दिए से आपका जो व्यू दिख रहा है वो आप सच में एक बोलेंगे कि क्या कहाँ पे आ गए। इसके लिए शायद महादेव की प्रिय नगरी थी। अभी 20 मिनट में जो आरती चालू होने वाली गंगा आरती वो मैं आपको दिखाने लगा, क्या ब्यूटीफुली उन लोग आरती को अपना पूरा करेंगे और कैसे उसको एंड करेंगे। ये स्पेशली गंगा माँ को डेडिकेट किया जाता है, हर शाम को होता है और 3 घाट पे होता है, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और ये कौन सा घाट है दूसरा वाला पीछे वाला, और एक कौन सा घाट है पीछे वाला, ये से नाम नहीं याद आ रहा। तो एक्चुअली मेन मोस्टली 2 घाट पे ज़्यादा करके गंगा आरती मिलती है आपको, तो वो आप अगर काशी में आ रहे हो तो शाम को 6 बजे चालू होती है, और उसको 4-4:30 बजे से लोग अपना जगह ऑक्यूपाई करने लगते हैं उसको स्पेशली देखने के लिए, जो गंगा माँ को डेडिकेट करते हैं। अगर आप आ रहे हो तो ये जरूर देखना, इसको देखे बिना तो जाना ही मत। तो फाइनली अभी अपना गंगा आरती के साथ साथ अभी हमारा ट्रिप भी एंड हो रहा है, तो अब टाइम है निकलने का और रेस्ट करने का। कल सुबह के लिए कुछ और प्लान है, तो वो कल सुबह का प्लान जो है वो कहीं और जाने का, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। फिलहाल निकलने का टाइम हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पहले कहते बना मत भूलना।